नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच बारिश की वजह से एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया था, लेकिन अब बारी है दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच की, जहां इस T20 सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 12 दिसंबर को कैबरा के सेंट जॉर्जेस पार्क में इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 8:30 बजे से, यानी कि 8:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो इस मैदान पर अभी तक सिर्फ 3 मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, जिनमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 1 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 132 रन का है, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 117 रन का रहा है। तो आप इन ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच पर जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिला है, इसी वजह से फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस जीते हैं। सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, इस पिच से पूरे मैच में गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलती है और बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल साबित होता है। यही कारण है कि आपको इस मैदान का जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर है वो सिर्फ 132 रन का नजर आ रहा है। खास तौर पर इस पिच से तेज गेंदबाजों को पूरे मैच में काफी मदद मिलती है, फास्ट बॉलर्स इस पिच पर आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आते हैं। जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों पारियों के, यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को नई गेंद के साथ काफी स्विंग मिलता है। इसके अलावा उनको पिच से सीम मूवमेंट भी मिलता है, जबकि सेंट जॉर्जेस पार्क की इस पिच पर बहुत अच्छा बाउंस भी मौजूद है और इस बाउंस का फायदा भी पूरे मैच में फास्ट बॉलर्स को ही मिलता है, जिसके कारण वो आपको दोनों पारियों के पावर प्ले ओवर्स में कम से कम 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। तो इस मैच में एक बार फिर से जो तेज गेंदबाज हैं वो आपको काफी विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इस पिच पर हमने देखा है कि मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो दूसरी पारी में स्पिनर्स को भी पिच से थोड़ी ग्रिप और टर्न मिलती है, जिसके कारण सेकेंड इनिंग्स में जो स्पिनर्स हैं वो भी आपको इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल इस पिच पर सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करना पहली पारी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मुश्किल साबित होता है, लेकिन यहां पर यह भी देखा गया है कि अगर पावर प्ले ओवर्स में बल्लेबाज संभल कर खेल जाते हैं तो फिर यहां पर सेट बल्लेबाज मिडिल ओवर्स में रन्स भी बना सकता है, क्योंकि यह मैदान छोटा है, बाउंड्री डायमेंशन ज्यादा बड़े नहीं है और आउटफील्ड फास्ट है, तो एक सेट बल्लेबाज यहां पे अच्छे खासे रन्स भी स्कोर कर सकते हैं। पर ओवरऑल ये हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है, आपको ज्यादातर मुकाबलों में मीडियम स्कोर्स ही बनते हुए नजर आते हैं, और इस मैच में भी जैसे रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं पिच को लेकर उस हिसाब से आप एक मीडियम स्कोरिंग मुकाबला एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि जो 2 मुकाबले फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं उन दोनों मैचेस में फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 160 के आसपास या फिर 180 के आसपास बने थे, जो कि सक्सेसफुली डिफेंड हो गए थे। तो इस मैच में भी मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है तो उन्हें कम से कम 170 या 180 के आसपास का स्कोर बनाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो चेस करना काफी मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 के आसपास या फिर 150 के नीचे बनता है तो उसके चेस होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी।
पिच कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो साउथ अफ्रीका का है न्यूजीलैंड के खिलाफ 179 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। लोएस्ट टोटल भी साउथ अफ्रीका का है वेस्टइंडीज के खिलाफ 58 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो वेस्टइंडीज ने किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 60 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो साउथ अफ्रीका ने किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 158 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले साउथ अफ्रीका की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रीजा हेंड्रिक्स के साथ मैथ्यू ब्रिट्स की। नंबर 3 पर आ सकते हैं कैप्टन एडन माक्रम। नंबर 4 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स या फिर हेनरिक क्लासन में से कोई एक खेलेगा। नंबर 5 पर आ सकते हैं डेविड मिलर। नंबर 6 पर डोनोवन फेरीडा। नंबर 7 पर मार्को येंसन या फिर एंडिले फेलिक्वायो में से कोई एक खेलेगा। नंबर 8 पर केशव महाराज। नंबर 9 पर जिराल्ड कोइट्ज़े। नंबर 10 पर नांद्रे बर्गर और नंबर 11 पर तबरेज शमसी आ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको इंडियन टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल या फिर ऋतुराज गायकवाड़ में से कोई एक। नंबर 3 पर आ सकते हैं श्रेयस अय्यर। नंबर 4 पर कैप्टन सूर कुमार यादव। नंबर 5 पर रिंकू सिंह। नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा। नंबर 8 पर दीपक चहर या फिर मुकेश कुमार में से कोई एक खेलेगा। नंबर 9 पर कुलदीप यादव या फिर रवि बिश्नोई में से कोई एक खेलेगा। नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह आ सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच क्रिकेट के इतिहास में टोटल 25 टी20 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं जिसमें से इंडिया ने 13 मैचेस जीते हैं जबकि साउथ अफ्रीका ने 10 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस बारिश की वजह से नो रिजल्ट रहे थे। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में इंडियन टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा जो लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं उसमें से इंडिया ने 2 मैचेस जीते हैं जबकि साउथ अफ्रीका ने भी 2 मैचेस जीते हैं और एक मैच बारिश की वजह से नो रिजल्ट रहा था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो इंडियन टीम ने जो लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मैचेस जीते हैं जबकि सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम ने जो लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से सिर्फ एक मैच जीता है जबकि 4 मुकाबलों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म का कंपैरिजन करोगे तो फॉर्म वाइज इंडियन टीम काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो आप साउथ अफ्रीका की तरफ से कैप्टन एडन माक्रम के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 283 रन्स बनाए हैं 35 के एवरेज और 145 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप रीजा हेंड्रिक्स को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 6 मैचेस में 273 रन्स स्कोर किए हैं 45 के एवरेज और 164 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप इंडियन टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 365 रन्स बनाए हैं 61 के एवरेज और 147 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अगर ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर आप कैप्टन सूर कुमार यादव को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो जो कि आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल बैटर्स रैंकिंग में नंबर 1 पर मौजूद हैं और इस समय काफी अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ भी जा सकते हो। ये भी हाल फिलहाल में काफी अच्छी फॉर्म में है। पिछले 10 मैचेस में 280 रन बना चुके हैं 31 के एवरेज और 165 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर तबरेज शमसी के साथ जा सकते हो। पिछले 6 मैचेस में 7 विकेट्स ले चुके हैं 9 की इकोनॉमी और 17 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर लिजार्ड विलियम्स को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो अगर ये मुकाबला खेलते हैं। पिछले 3 मैचेस में 4 विकेट्स ले चुके हैं 10 की इकोनॉमी और 12 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अगर ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर आप राइट आर्म फास्ट बॉलर जिराल्ड कोइट्ज़े को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो जो कि हाल फिलहाल में काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं।
दूसरी तरफ आप इंडियन टीम की तरफ से राइट आर्म लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 18 विकेट्स ले चुके हैं 7 की इकोनॉमी और 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी थी। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 10 विकेट्स ले चुके हैं 8 की इकोनॉमी और 20 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो पहला T20 इंटरनेशनल मैच रद्द हो जाने के बाद अब दोनों टीमों के लिए बाकी बचे दोनों मैचेस करो या मरो के होने वाले हैं, क्योंकि जिस भी टीम को ये T20 सीरीज जीतनी है उनको बाकी बचे दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। हालांकि जो भी टीम दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतेगी वो ये T20 सीरीज नहीं हारेगी, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। तो ऐसे में आपको दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच काफी जबरदस्त और रोमांचक देखने को मिलेगा, जहां दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगी। वैसे अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात कर लें तो हालिया फॉर्म के आधार पर भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इंडियन टीम ने हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर पर T20 सीरीज 4-1 के अंतर से जीती है। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 के बाद कोई भी इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेली है, ये उनके लिए पहली सीरीज होगी। तो इस समय इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके पास ज्यादा मैच प्रैक्टिस है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के मुकाबले। वहीं अगर हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें तो दोनों टीमों के पास काफी बैलेंस्ड और स्ट्रांग प्लेइंग 11 मौजूद है, जहां दोनों ही टीमों में यूथ और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का काफी अच्छा मिश्रण है। तो रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन पिच और वेदर कंडीशंस जिस प्रकार की हैं वो साउथ अफ्रीकन टीम को ज्यादा फेवर कर सकती हैं, और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना हमेशा से ही मुश्किल साबित होता है। तो इस मैच में भी चुनौती इंडियन टीम के लिए काफी बड़ी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हालिया फॉर्म और विनिंग मोमेंटम के आधार पर इस मैच में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। ऐसे में इस मुकाबले के लिए जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो टीम इंडिया के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, और आपके हिसाब से कौन सी टीम दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच जीतेगी, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।